चीन परस्त माने जाने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू लगातार भारत के खिलाफ आग उगल रहे हैं। मालदीव से भारतीय सेना की वापसी के लिए डेडलाइन जारी कर चुके हैं। चीन दौरे से लौटे मालदीव के राष्ट्रपति ने चुनावी कैंपेन के दौरान भी भारत विरोधी प्रोपेगेंडा का सहारा लिया था। इसका खुलासा करती ईयू की रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी। भारत और मोदी का विरोध भले ही इस वक्त मालदीव के राष्ट्रपति की पहचान बनकर उभर रहा है, चीन के गुणगान करते मुइजू थक नहीं रहे। लेकिन इस बीच मालदीव में अपनी लोकप्रियता बचाने के लिए मुइजू भारत के पीएम मोदी की नकल कर रहे हैं। बता दें कि डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम्स हों या गरीबों के घरों में सीधे अनाज पहुंचाना मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी रही है। कोरोना काल के दौरान लगातार 80 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त राशन मिलता रहा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हर महीने गरीब परिवार को 5 किलो अनाज मुफ्त मिलता है। अब मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू भी इसी पॉलिसी की नकल कर मालदीव में अपना सिक्का जमाना चाहते हैं। मुफ्त राशन बांटने की योजना लॉन्च करते हुए मुइजू ने कहा, हमारी सरकार किसी एक देश पर आवश्यक चीजों की निर्भरता खत्म करने के लिए तेजी से काम कर रही है। जैसे चावल, चीनी और आटा जैसी बुनियादी जरूरत की चीजें हम दूसरे देशों से भी हासिल कर सकेंगे। हमने तुर्की से भी इस संबंध में एक समझौता किया है। हमने न सिर्फ सप्लाई प्राप्त कर ली है बल्कि पहली बार मालदीव में सरकार रमजान के महीने में हर परिवार को 10 किलो चावल और 10 किलो आटा बांटेगी। हमें उम्मीद है कि अगले साल से हम इसे और बढ़ा सकेंगे। इंशाअल्लाह हम अपने पैरों पर खड़े होंगे और दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता खत्म होगी। हमारी सरकार यूरोप और अमेरिका से दवाइयों और अन्य सामग्री प्राप्त करने के लिए भी काम कर रही है। मैं वादा करता हूं ये भी जल्द ही होगा। बता दें कि चीन दौरे से लौटने के बाद से ही मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। चीन से लौटते ही उन्होंने कहा, मालदीव भले ही छोटा सा देश हो लेकिन कोई हमें आंखें नहीं दिखा सकता। मालदीव और चीन ने 20 समझौते किए हैं। इसके अलावा मालदीव में चीन कई परियोजनाओं का विकास कर रहा है। मालदीव में जिन प्रोजेक्ट्स पर भारत काम कर रहा था उसे भी चीन को सौंप दिया गया है। चीन मालदीव में 830 करोड़ डॉलर की लागत से एयरपोर्ट बना रहा है। एक पुल भी चीन ही बना रहा है जिसकी लागत 400 करोड़ डॉलर है। वर्ल्ड बैंक और IMF ने कहा है कि मालदीव बुरी तरह चीनी कर्ज में फंसता जा रहा है। मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति मुइजू चीन परस्त माने जाते हैं। उनकी सत्ता संभालने के बाद से ही वो लगातार चीन के हाथों में खेल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अपनी लोकप्रियता बचाने के लिए उन्हें पीएम मोदी के फॉर्मूले की नकल करनी पड़ रही है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।